हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टेक्निकल प्रीशा चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भुवनेश्वर से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कटक पहले उड़ीसा की मूल राजधानी हुआ करता था, जिसे पद्मावती भी कहते थे। यह शहर महानदी और उसकी सहायक काठजोड़ी नदी के मिलन स्थल पर बसा है, जो अपनी ताराकाशी कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस शहर को उड़ीसा की सांस्कृतिक और वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। इस शहर के इतिहास में प्राचीन बाराबती किले का एक संदर्भ है, जिसके चारों ओर शहर शुरू में विकसित हुआ था। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम आपको उड़ीसा के सबसे बड़े शहर कटक की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार में बताते हैं। दोस्तों, वर्तमान में कटक को मिलेनियम सिटी के साथ सिल्वर सिटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये हजार वर्षों के इतिहास और प्रसिद्ध चांदी जरदोजी का प्रमुख केंद्र है। कटक की स्थापना राजा निरपति केशरी द्वारा 1941 में की गई थी। कटक के पास ही विरूपा नदी बहती है, जो अपने प्राचीन बांध के लिए जानी जाती है। अनंग भीम देव द्वारा निर्मित बाराबती नामक किले के खंडहर यहाँ से 1 मील दूर काठजोड़ी के तट पर हैं। कहा जाता है कि वर्तमान पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी उसी ने कराया था। कटक मुगलों के पतन के बाद मराठों के अधिकार में आ गया था। अंग्रेजों ने जब उड़ीसा पर अपना राज्य स्थापित किया, तब कटक को उड़ीसा की राजधानी घोषित कर दिया था। वर्तमान में कटक कुल 192.5 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी कुल आबादी 7,76,000 है। वहीं इस शहर का लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुषों पर 997 महिलाओं का है। साक्षरता दर की बात करें तो यहां कुल 91.17% लोग साक्षर हैं। ये एक हिंदू बहुल इलाका है, जहां लगभग 90% लोग हिंदू हैं। वहीं यहां 8% के आसपास मुस्लिम जनसंख्या है और बाकी 2% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। उड़ीसा यहां के स्थानीय भाषा है। इसके अलावा अंग्रेजी और हिंदी मुख्य रूप से बोली जाती है। यहां का वाहन पंजीकरण कोड OD05 है। वहीं यहां की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर पर्यटन और वाणिज्य पर आधारित है। यहां के उद्योगों में स्टील, बिजली, ऑटोमोबाइल, मिश्र धातु, फायर क्ले आदि शामिल हैं। भारतीय धातु और फेरो मिश्र, लौह मिश्र धातुओं का देश का सबसे बड़ा उत्पादक चौद्वार कटक में है। इसके अलावा टेक्सटाइल मिलें, चांदी व्यापार और हस्तशिल्प कार्य स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दोस्तों, कटक में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया था, जिनका घर वर्तमान समय में स्मारक के रूप में पर्यटकों के लिए खुला रहता है। ये भी मान्यता है कि सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जगन्नाथ पुरी जाते समय कुछ समय के लिए यहाँ ठहरे थे। उन्होंने जिस दातुन का प्रयोग करने के बाद यहाँ फेंक दी थी, उससे वहाँ पर एक पेड़ उगाया था, जहाँ बाद में गुरुद्वारा बनवाया गया। वर्तमान समय में ये गुरुद्वारा दातुन साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। कटक पर्यटन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ प्राचीनता एवं आधुनिकता का एक विशेष मिश्रण देखा जा सकता है। यह अपने भव्य स्मारकों और सांस्कृतिक जीवन की जीवंतता के लिए जाना जाता है। पर्यटक यहाँ घूमते हुए मंदिर, किले, पहाड़ आदि सब देख सकते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक बाराबती किला महानदी के किनारे स्थित है, जो अपने खूबसूरत वास्तुकला और तराशे गए दरवाजों और 9 मंजिला महल के लिए प्रसिद्ध है। बाराबती किले का निर्माण गंगवंश ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। ऐसी मान्यता है कि युद्ध के समय नदी के दोनों किनारों पर बने किले इस किले की रक्षा करते हैं। वर्तमान समय में इस किले के साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना हुआ है, जो 5 एकड़ में फैला हुआ है। इस स्टेडियम में लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। यहाँ खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। यहाँ आप देवी चंडी को समर्पित कटक चंडी मंदिर भी देख सकते हैं, जो 3000 साल पुराना बताया जाता है। ये मंदिर भक्तों के बीच खास रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर में हर साल देवी दुर्गा की भव्य पूजा होती है। यहाँ की देवी को माँ कटक चंडी के नाम से भी लोग जानते हैं। कटक से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धाबलेश्वर मंदिर की वास्तुकला भी काफी प्रभावशाली है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में संपन्न हुआ था। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हजारों की संख्या में पर्यटक दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में पंचकुला त्योहार को भी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा आप यहां परमहंसनाथ मंदिर और कदम ई रसूल मस्जिद भी देख सकते हैं, जिसके गुंबद और कमरे बहुत ही आकर्षक हैं। कटक उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण शहर है और इसलिए यहां पहुंचना बेहद आसान है। आप यहां हवाई, रेल या सड़क तीनों माध्यमों से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां का नजदीकी हवाई अड्डा भुवनेश्वर का बीजू पटनायक हवाई अड्डा 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
कटक का अपना रेलवे स्टेशन भी है जो देश के अन्य भागों जैसे दिल्ली, कोलकाता और मुंबई समेत प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सड़क के रास्ते आप नेशनल हाईवे 55 के जरिए भी यहां पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।